सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूँ गाइस। तो तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, यह है मोदी नगर साउथ से लेकर, और आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मेरठ सेंट्रल तक का वीडियो। तो आप लोग देखने के लिए तैयार रहिए और दिखाते हैं आप लोगों को तस्वीरें। तो आप लोगों को बता दूंगा, जैसे ही हम मोदी नगर क्रॉस करते हैं तो वैसे ही यहाँ तक बायोडक्ट क्लियर हो चुका है, बाकी के ये पिलर कम्प्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल कंप्लीट है। और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि मोदी नगर नॉर्थ तक का कोई भी लॉन्चर नहीं लगा है। जो लॉन्चर था पीछे ही था, वो मेरठ की साइड में लगाता हुआ चल रहा है आगे की साइड में। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और ये है मोदी नगर, क्योंकि मोदी नगर नॉर्थ के लिए हम चल रहे हैं अभी गाइस आगे। तो आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी बोर्ड हटा दिए गए हैं, एक साइड के हटा दिए गए हैं लेफ्ट साइड के, जो कि हम मेरठ के लिए जा रहे हैं। और अभी जब हम मेरठ से आएंगे तो राइट हैंड के अभी लगे हुए हैं, तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पिलर जो पिलर कैप लगा दिए गए हैं उन पर नापातौली का काम चल रहा है, और पीछे लॉन्चर लगा हुआ था जैसे कि आप लोगों ने देखा था, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करता हुआ जा रहा है मेरठ के लिए, यानी कि मोदी नगर नॉर्थ के लिए, मोदी नगर नॉर्थ RRTS स्टेशन के लिए जा रहा है गाइस। और आपको बता दूं, उससे पहले देखिए ये पिलर अब इनकी हाइट ऊंचाई पे पकड़ती जा रही है, क्योंकि पकड़ती जा रही है क्योंकि ये EDFC का जो ट्रैक है वो निकलता हुआ जा रहा है। देख सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा कि यह है ईस्टर्न पेरिफेरल जो क्रॉस कर रहा है RRTS को गाइस। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, और यह है NH 58 गाइस, देख सकते हैं, क्योंकि ये इंडियन रेलवे द्वारा बनाया गया है और बहुत तेज़ी के साथ इस पर काम चल रहा है। डबल डेकल मालगाड़ी चलेगी। और यहाँ का ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं आई बटन में निकले दूंगा, देख लेना। यह है EDFC, देख सकते हैं, और यह आ रही है हमारे उत्तर प्रदेश के दादरी से, और ये जाएगा रेवाड़ी तक, और डबल डेकर मालगाड़ी इस पर दौड़ेगी गाइस। देख सकते हैं, एक तरफ इंडियन रेलवे की 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी, दूसरी ये RRTS दौड़ेगी 180 किलोमीटर की रफ्तार से। जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तब यहाँ का नज़ारा देखना गाइस, कि कितना सुंदर वो पल देखने के लिए होंगे गाइस। तो ये आ चुका है मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन, आगे आने वाला है, देखेंगे आप लोग। और आपको बता दूं कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को ये RRTS क्रॉस कर रहा है, एक तरफ है ये इंडियन रेलवे का रैपिड रेल क्रॉस करेगी, और दूसरा है ये NHAI द्वारा जो बनाया गया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगा, वहाँ की तस्वीर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स केपी संत के चैनल पर देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ, इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ आप लोगों को। तो देख सकते हैं, ये आ चुका है मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन जो बनाया जा रहा है, और आपको बता रहा हूँ यहीं से स्टार्ट हो जाता है हरिद्वार गाइस, क्योंकि मेरठ यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जैसे ये स्टेशन ख़त्म होगा मोदी नगर नॉर्थ का वैसे ही। तो आप लोगों को देख सकते हैं कि एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है, और इसमें बीच में बीम रखा हुआ है जो कि यार्ड से लेकर आए हैं, और ये मेरठ के अंदर है यार्ड, देख सकते हैं वो बीम रख दिया गया है बीच में, और ये इस पिलर को और उस पिलर को इसमें कंक्रीट की मदद से ये जॉइंट कर दिया जाएगा, मतलब कि ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर इसके ऊपर गाटर लॉन्चिंग होगी, गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में फिर इस पर फ्लोरिंग किया जाएगा, और साइड में पैराफिट बॉल लगाए जाएंगे, और उसके बाद में गाइस इसमें इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगाए जाने। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये, आपको बता दूँ मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन, देख सकते हैं ये गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है, इस पर कहीं इस पर पूरे पे गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है, जहाँ नहीं हुई है वहाँ पर हो रही है, और ऊपर के लिए भी ये पिलर बनाए जा रहे हैं ऊपर साइड के लिए गाइस, देख लिए ऊपर, इसके ऊपर जो चलेगा। तो अभी इसकी हाइट काफ़ी ऊंची देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ से पिलर ये देखिए कनेक्ट नहीं किए गए हैं। आपको बता दूँ कि पिलर के ऊपर देखिए वो जो खांचा था चमक रहा, उस पर ये
ये बीम रखा जाएगा, और बीम रखने जाने के बाद में ये साइड में, दोनों साइड में ये कंक्रीट से भर दिया जाएगा गाइस, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और आपको बता दूं क्या, जैसे ही हम आगे निकलेंगे तो देख सकते हैं इन पर पिलर कैप का काम भी होना, और उधर पिलर ये भरे जाने हैं क्योंकि कंप्लीट से ही हो गए हैं, और यहाँ से आप लोग देखने के लिए मिलेगा। देखो इस पिलर पर सेटिंग लगा चुके हैं और इस पर पिलर कैप के काम चलेगा गाइस, यहाँ के पिलर कैप कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए। आपकी बार मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरा मेरठ के मोदीपुरम तक मैं आप लोगों को ले जाने वाला हूं, तो नए नए ब्लॉग्स आते रहेंगे, वीडियोस देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा ना देर करते हुए लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा। देखिए एक पिलर ये है, देखो दो पिलर, और ये तीसरा पिलर ये है जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ता है, देखिए बिल्कुल किनारे पर ये गाइस। और आपको बता दूं जब हरिद्वार से हम आएंगे दिल्ली के लिए जाएंगे तो ये एक्सप्रेसवे ऊपर है और नीचे हम चल ही रहे हैं अभी, तो ये अगर हम सीधे जाते हैं तो हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे। और यहाँ से एक अंडर पास आएगा, उसके अंदर अगर हम राइट हो जाते हैं तो चले जाएंगे मोदी नगर सिटी के लिए गाइस। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, देख सकते हैं आप लोग कि कितना सुंदर ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया है हमारे मोदी सरकार ने, देख सकते हैं आप लोग। और ये नीतीश गडकरी द्वारा बनाया गया है, और देखिए हरिद्वार के लिए बिल्कुल सीधे चले जाएंगे हम, और इस अंडरपास के अंदर हम हो जाएंगे तो चले जाएंगे हम मेरठ सिटी के लिए। तो वही आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग देखो कि कितना कुछ काम हो चुका है मोदी नगर के, ये क्या नाम है, मेरठ के सेंट्रल, मोदी नगर सेंट्रल स्टेशन RRTS के, तो वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं ये किस तरीके से क्रॉस कर रहा है ये, और ये हम आ चुके हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाइस, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, तस्वीरें ये है कि ये चला जाता है दिल्ली के लिए, और जैसे ये क्रॉस करेगा तो देखिए एक पिलर वो है, एक पिलर ये है, और एक पिलर पर ये सेटरिंग लगी हुई है गाइस, जहाँ ये क्रेन मशीन लगी हुई है। तो ये इस तरीके से ये पिलर भरा जा रहा है क्योंकि इसमें कंक्रीट किया जाएगा, ऊपर का ये कैप लगाया जा रहा है और फिर इस पे पिलर कैप का काम किया जाएगा। तो पहले इसको कंक्रीट की मदद से ये भरा जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है, और उसके बाद में जब कंप्लीट हो जाएगा तब इस पे पिलर कैप का काम किया जाएगा गाइस। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और वो इंडियन रेलवे की वो जा रही है, देखिए वो इंडियन रेलवे की ट्रैक बिछाया हुआ है, देख सकते हो वो पुराना है जो कि जा रहा है हरिद्वार के लिए गाइस, लुड़की हरिद्वार। और देख सकते हैं ये पिलर स्टेंज किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं उस पिलर पे, ये देख सकते हैं सेटरिंग लगी हुई है, और इस पर रिंग लगाए जाने हैं, और रिंग लगाए जाने के बाद में गाइस इसको अभी और बड़ा किया जाएगा। और आपको बता दूं वो पाइलिंग मशीन लगी हुई है, और पाइलिंग मशीन के जब ज़मीन में गड्ढा हो जाता है तब ये रिंग डाले जाते हैं, ये साइड में रखे हुए हैं, देख सकते ये रिंग रखे हुए हैं जहाँ मेरी उंगली है, ये रिंग डाले जाएंगे। और आपको बता दूँ क्या, एक जो एक पिलर बनाया जाता है, एक पिलर के अंदर आपको बता दूं कि ये रिंग चार पांच डाले जाते हैं, एक गड्ढे में चार पांच रिंग डाले जाते हैं गाइस, आप लोग तस्वीरें देख सकते हो, ये देख सकते हैं ये हरिद्वार की साइड से वाहन आ रहे हैं और ये जा रहे हैं दिल्ली के लिए गाइस, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और अब हम चलने लगे हैं मोदी नगर सिटी के लिए, तो आप लोगों को देख सकते हैं ये फ्लाईओवर आ चुका है, ये इंडियन रेलवे को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, तो आगे हम देखेंगे इसके बगल से ही ये RRTS निकल रही है गाइस। तो पूरा आप लोगों को दिखाते हैं, और पहला पड़ेगा शताब्दी नगर का RRTS का स्टेशन, फिर उसके बाद में पड़ेगा मेरठ सेंट्रल का स्टेशन गाइस, देख सकते हैं ये पिलर बना दिए गए हैं, देख सकते हैं ये साइड से ही फ्लाईओवर के साइड से आ रहे हैं राइट से होते हुए, और ये बीच में आ जाएंगे क्योंकि बीच में ये फ्लाईओवर आ गया, तो इस वजह से ये साइड में पिलर आ गए RRTS के, तो इस वजह से इसमें बीच में नहीं दे पाए, अब ये बीच में आ जाएगी, आगे जैसे ये फ्लाईओवर को क्रॉस करेंगे तो वैसे ही बीच में आ जाएंगे गाइस। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये अभी वर्क चल रहा है इन पे रिंग लगाए जा रहे हैं पिलर पे, यानी कि ऊंचे करे जा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ से ये बीच में आ जाती है RRTS, देख सकते हैं यहाँ पर कोई पिलर नहीं बना है, सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं, पाइलिंग यहाँ पर कर दी गई है, बस इस पिलर को ऊपर उठाना बाकी रह गया, ज़मीन में पाइलिंग तो कर दी गई है। और आपको बता दूं गाइस कि यहाँ से देखिए ये पिलर स्टार्ट हो चुके हैं,
कुछ पिलर यहाँ से बनने स्टार्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं इनका फाउंडेशन का काम कर लिया गया है और इसका स्ट्रक्चर, पिलर का स्ट्रक्चर ये खड़ा कर दिया गया है। आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं क्योंकि ये इस पर सेटिंग लगी हुई है और इन पर रिंग लगाए जाने और रिंग लगाए जाने के बाद में इसको कंक्रीट की मदद से भरे जाएंगे और इन पर पिलर कैप का काम किया जाएगा। गाइस तस्वीरें आप लोग देख सकते हो और ये आ जाता है शताब्दी नगर का RRTS का स्टेशन, देख सकते हैं यहाँ पर कितना कुछ काम हो चुका है, वो भी आप लोग देखो अपनी आंखों से। पर ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को और कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ। देखिए यहाँ पर ये पाइलिंग हो रही है साइडों में, एक साइड के पिलर, राइट के पिलर बन चुके हैं और लेफ्ट के देखिए इन पर पाइलिंग मशीन चल रही है तो इधर भर दिए गए हैं और ये आ जाता है शताब्दी नगर का स्टेशन। दोनों साइड में वर्क चल रहा है और नीचे की पाइलिंग बिल्कुल, आपको बता दूँ कि इस पर फ्लोरिंग का काम कर लिया गया है, अब सेकंड फ्लोर का काम चल रहा है गाइस। तो देख सकते हैं एक पिलर को दूसरे पिलर को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, आप लोग तस्वीरें अपने आंखों से देख सकते हैं गाइस। देखो इस तरीके से ये स्टैंड किए जाते हैं, एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करते हैं और आपको बता दूं ये बायोडक्ट थोड़ा सा ये बनके कंप्लीट हो चुका है और आपको बता दूं इस पर ये साइड के जो वो लगा दिए गए हैं पैरापिट वॉल लगा दिए गए हैं। पैरापिट वॉल लग जाने के बाद में तभी ये पर देखो ये जो इलेक्ट्रिक के खंभे हैं वो लगाए जाएंगे, क्यों यहाँ तक ये कर दिए गए हैं कंप्लीट। और आपको बता दूँ ये आ जाता है मेरठ सेंट्रल RRTS का स्टेशन गाइस। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें कि एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है क्योंकि ये जो साइड के पिलर हैं दोनों साइड के लेफ्ट और राइट के, इन पे साइडों में ये कंक्रीट भरा जाएगा फिर ये कंप्लीट हो जाएंगे गाइस। तो इन पे फ्लोरिंग हो चुका है इस स्टेशन पे और इन पे साइडों का ही बचा हुआ है, लेफ्ट का देख सकते हैं ये पिलर खड़े कर दिए गए हैं, इन पे नीचे का वर्क हो चुका है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर बस ये जो स्टेशन का काम है वही बचा है, बाकी तो इस पर बायोडक्ट आगे देख सकते हैं ये क्लियर हो गया है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, कुछ पिलर ये कनेक्ट कर लिए गए हैं और इन पर आपको बता दूं पैराफिट वॉल भी लगा दिए गए हैं। अब इन पर ट्रैक स्लैब डाले जाएंगे, ट्रैक स्लैब डालने के बाद में फिर इस पर पटरियाँ यानी कि ट्रैक बिछाया जाएगा, ट्रैक बिछाए जाने के बाद में इस पर इलेक्ट्रिक के खंभे लगाए जाएंगे और इलेक्ट्रिक के खंभे पर गाइस ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा और ओवरहेड इक्विपमेंट पर इस पर इलेक्ट्रिसिटी की लाइन बिछाई जानी है गाइस। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, अभी तो इस पर रेलिंग भी लगानी बाकी रह गई है। तो ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो KP संत को और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो और मेरठ तक, मेरठ के मोदीपुरम तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वीडियो के अंदर पर डे वीडियो आता रहेगा तो आप लोग देखते रहो। तो चलिए आपसे मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं हम किसी नई वीडियो के साथ में, आप सभी तक तो आप लोग इन्जॉय कीजिए इस वीडियो।